नमस्ते, मेरा नाम दीपांजलि बेहरा, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको जो गल्प सुनाने वाली हूँ उसका नाम है सोने के अंडा देने वाली बतख। एक दिन एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी शीतल के साथ एक छोटी से गांव में रह रहा था। उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक था। एक दिन जब रामू खेती के लिए खेत पर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक छोटी सी बतख मिला। वो खुश होकर उसे घर ले आया। जब उसकी पत्नी शीतल को दिखाया तो वह बहुत ही गुस्सा हो गई। बोली कि हमारा एक पल का खाना नसीब नहीं होता, मैं इस छोटे से जीव को कैसे खाना खिलाऊं। तो यही बात सुनकर रामू ने बोला कि मैं कुछ दिन यहाँ पर रख लेते हैं, मैं खुद उसे एक नदी में छोड़ आऊँगा। यही बात बोलकर वह दोनों उसे घर में रखने लगे। तो एक दिन जब वो खाना खाकर सोने को चले गए तब उनके रसोई घर के कमरे से एक उज्जवल सा आलोक बाहर आने लगा। तो रामू और शीतल का नींद खुल गया और वो दोनों जब रसोई घर के कमरे को खोले तो देखा कि एक चमकती हुई सोने की अंडा रखा हुआ है। वो दोनों समझ गए कि ये सोने की अंडा देने वाली बतख है। तो वो उस अंडे को बेचकर बहुत ही अमीर इंसान बन गए। तो रामू ने शराब पीना शुरू कर दिया। वो शराब की नशे में अपनी पत्नी शीतल को बहुत मारा और उस बतख के ओर निकल गया। बोला कि मुझे रोज़ इससे एक ही अंडा मिलता है, मेरा एक अंडा पर्याप्त नहीं, मैं इसके पेट को काट दूंगा, उससे जो अंडा मिलेगा मैं उससे अपना जीवन खुशी से अतिबाहित करूंगा। तो यही बात बोलकर उसने उसका पेट काट दिया और बतख तो मर गया, लेकिन रामू को एक भी अंडा नहीं मिला। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, लालच ना करें। धन्यवाद।